हेलो स्टूडेंट्स, आपका केमिकल काइनेटिक्स का लेसन चल रहा है। केमिकल काइनेटिक्स के लेसन में आपने वीडियो या लेक्चर नंबर 11 तक इस लेसन को कंप्लीट पढ़ लिया, बट आज अपन इस लेक्चर में केमिकल काइनेटिक की एक्सरसाइज न्यूमेरिकल्स इनकी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन करने वाले हैं। तो मैं जो ये एक्सरसाइज आपको सॉल्व करवा रहा हूं, इससे इस लेसन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो अपने आप उसमें सॉल्व हो जाएंगी। मैं सबसे पहले एक बार इसमें वेरी शॉर्ट टाइप के आंसर क्वेश्चंस लेता हूं, वेरी शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। इनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि जैसे आपके पास सपोज कोई एक रिएक्शन है ए प्लस बी, और इस रिएक्शन में हमारे पास में ये प्रोडक्ट बन रहा है, ए प्लस बी से प्रोडक्ट बन रहा है। इस रिएक्शन के जस्ट नीचे क्वेश्चन में दिया है कि रेट इज इक्वल्स टू के ए कंसंट्रेशन इनटू बी कंसंट्रेशन, और यहां ए की पावर दे रखी है हाफ। अब इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इस रिएक्शन के लिए अभिक्रिया की कोटि क्या होगी। तो देखिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की जब अपन ने डेफिनेशन पढ़ी है तो आप सबको पता था कि कंसंट्रेशन की पावर्स जो लिखी रहती है उनको जोड़ लीजिए, इसलिए यहां पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना होगा, हाफ प्लस ये पावर कितनी है, वन इज इक्वल्स टू टू एंड हाफ, टू एंड हाफ इस रिएक्शन की ऑर्डर बन गई है। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था। इसके आगे मैं नेक्स्ट चलता हूं क्वेश्चन नंबर टू। आपको सेकंड क्वेश्चन मिल रहा है कि जिसमें वो बोल रहा है कि सपोज एक्स से वाई प्रोडक्ट बन रहा है, ये अपने पास में एक रिएक्शन है, ये एक अभिक्रिया है। क्वेश्चन नंबर टू का सॉल्यूशन करेंगे अब अपन। इसमें वो पूछ रहा है अपने से कि सपोज ये रिएक्शन सेकंड ऑर्डर की है, ये दिया है अगले ने अपने को कि ये रिएक्शन अपने पास में सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। अब सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है तो फिर इस रिएक्शन का रेट लो कैसे लिखा जाएगा, अकॉर्डिंग टू रेट लो बोलिए, रेट इज इक्वल्स टू के कंसंट्रेशन ऑफ एक्स पावर टू, ये सेकंड ऑर्डर है ना, इसलिए अपन बोलेंगे पावर टू। अब क्वेश्चन में वो कह रहा है कि यदि यहां रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर दिया जाए, कितना इंक्रीज बोला है इसने, देखना यहां पर ये सपोज वो बोल रहा है कि इसको थ्री टाइम्स कर दिया जाए, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज थ्री टाइम्स, ये देखो थ्री टाइम्स यदि इसको बढ़ा रहा है, तीन गुना करवा रहा है, तो फिर इस इक्वेशन को मैं दोबारा कैसे नोट करूं, देखना बोलिए, रेट इज इक्वल्स टू के थ्री की पावर टू। आपको अपने आप आइडिया आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, बोलिए कितने टाइम्स रेट बढ़ गई है, नाइन टाइम्स। अभिक्रिया का वेग नौ गुना बढ़ जाएगा यदि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन आपने माना और यहां पर कंसंट्रेशन को आपने थ्री टाइम्स बढ़ाया, तीन गुना किया है, तो ये वन को अपन ने थ्री कर दिया, थ्री की पावर टू, नाइन टाइम्स इंक्रीज हो गया है। हम अभी केमिकल काइनेटिक्स के एक्सरसाइज क्वेश्चंस कर रहे हैं, उनमें से अब मैं नेक्स्ट चलता हूं, देखना शॉर्ट आंसर टाइप के क्वेश्चंस। उनमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अगला आपको एक क्वेश्चन दे रहा है कि सपोज अपने पास रिएक्शन है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना है, ये रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन गया इस रिएक्शन में। अब अपने को जो पॉइंट दिया गया है उसको अपन रीड करेंगे, क्या दिया गया है, वो बोल रहे हैं कि यहां इनिशियल कंसंट्रेशन मतलब स्टार्टिंग की कंसंट्रेशन है वो 0.03 मोल पर लीटर है, और फाइनल कंसंट्रेशन जो है वो दी हुई है 0.02 मोल पर लीटर। या फिर ऐसे नहीं समझ में आए तो बोलिए कि ये इनिशियल कंसंट्रेशन से प्रोडक्ट तक बन गया है, और इतना रिएक्टेंट का चेंज होने से
जो टाइम इसमें लगा है वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बोला जा रहा है 25 मिनट्स। तो देखो 25 मिनट में चेंज कितना आया, अब हमें इसके लिए रेट पूछी जा रही है, व्हाट इज द रेट ऑफ रिएक्शन। तो मैं बोलूंगा रेट इज इक्वल्स टू चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन में चेंज 2 माइनस 1, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन टाइम टेकन। लेकिन जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन अपन लिखते हैं तो साइन कैसा लिखते हैं, बोलिए माइनस। ये अपने पास में फॉर्मूला है, ऐसे नहीं समझ में आता तो इसको दोबारा नोट करता हूं। बोलिए रेट इज इक्वल्स टू माइनस डी सी अपॉन डी टी या डी आर अपॉन डी टी, ऐसे लिखते हैं चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो चेंज इन कंसंट्रेशन बोलिए आर टू माइनस आर वन, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में चेंज है अपॉन टाइम टेकन। मैं इसको कैसे लिख सकता हूं, देखो रेट इज इक्वल्स टू माइनस टू इनिशियल के बाद फाइनल कंसंट्रेशन 2.2 0.02 माइनस 0.03 अपॉन टाइम 25 मिनट। सो रेट इज इक्वल्स टू कितना आया, अपन यहां के बाद में नोट करेंगे, रेट इज इक्वल्स टू माइनस ये हो गया 0.02 माइनस 0.03 देन 0.01 अपॉन 25 मिनट। ये माइनस में आ रहा है, यहां पे माइनस माइनस को क्या नोट कर दूं मैं प्लस। सो रेट इज इक्वल्स टू ये बन गया 4 × 10⁻⁴। रेट इज इक्वल्स टू मींस मोल पर लीटर पर मिनट। अगर अपन मिनट में कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास में ये आंसर आ गया है। अब इस क्वेश्चन में ये अपने को आंसर सेकेंड में पूछ रखा है तो फिर अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, बोलिए रेट इज इक्वल्स टू 4 × 10⁻⁴/60 मोल पर लीटर पर सेकेंड। आप इसके कैलकुलेशन कर लीजिए, जब अपन इसके कैलकुलेशन करेंगे तो अपने पास में ये आंसर सेकंड में आ गया है। यहां पर मैं समझता हूं शायद रेट कैलकुलेट करने का ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। नंबर टू एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन, यस अगला क्वेश्चन आपको इसमें मिलेगा कि आपके पास में एक रिएक्शन है 2A से प्रोडक्ट बना है, लीजिए 2A से प्रोडक्ट बन गया है। इस रिएक्शन में क्वेश्चन के रूप में बोल रहा है कि यहां इनिशियल कंसंट्रेशन 0.5 मोल पर लीटर है और जो फाइनल यहां पर रिड्यूस होकर के कंसंट्रेशन बच गई है, रिड्यूस होकर के कंसंट्रेशन है 0.4 मोल पर लीटर और इस कंसंट्रेशन में ये जो चेंज होने में टाइम लगा है वो है 10 मिनट्स। 10 मिनट में ये कंसंट्रेशन इतनी चेंज हो गई है। अब अपने से पूछा जा रहा है कि इस रिएक्शन की रेट डिटरमाइन करिए, तो हम देखिए इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले पहले एक बार, बोलिए 2A इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट, रेट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ डी ए अपॉन डी टी। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं, ए क्या है बोलो, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट के लिए माइनस और कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। अब अपने को दो कंसंट्रेशन दिए तो ये चेंज इन कंसंट्रेशन, वो चेंज कैसे लिख सकता हूं मैं, बोलिए ए वन माइनस ए टू, सॉरी ए टू माइनस ए वन, ये चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। कितना चेंज हुआ है बोलो, रेट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ 0.4 माइनस 0.5, 0.4 माइनस 0.5 अपॉन टाइम कितना लगा है 10 मिनट। इसलिए हम ये कैलकुलेशन करके कैसे आंसर निकालेंगे, बोलिए रेट इज इक्वल्स टू माइनस हाफ 0.4 माइनस 0.1 देन माइनस 0.1 बाई 10,
इसकी आप कैलकुलेशन कर लीजिए, प्लस में आ गया तो ये अपन क्या नोट कर सकते हैं, 2 × 10.1 रेट इज इक्वल्स टू 5 × 10⁻³ मोल पर लीटर पर मिनट, ये मिनट में दिया ना टाइम, इसलिए पर मिनट ये आपके पास में रेट कैलकुलेट होकर के आ गई है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 एक्सरसाइज में, आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 आ रहा है। इस थर्ड क्वेश्चन में वो बोल रहा है कि आपके पास सपोज कोई एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन प्रथम कोटि अभिक्रिया है, इस रिएक्शन के लिए हमें टाइम कैलकुलेट करके बताइए, क्योंकि उसने हमें के की वैल्यू दी है, इनिशियल कंसंट्रेशन दी है और रिमेनिंग कंसंट्रेशन भी दी है। क्वेश्चन में जब आप पढ़ेंगे तो यह पता चलेगा आपको कि यहां टाइम आपसे पूछा गया है, रेट कॉन्स्टेंट के की वैल्यू आपको दी गई है, यहां पर 1.15 × 10⁻³ सेकेंड इनवर्स, ये आपको के की वैल्यू दी हुई है। इनिशियल कंसंट्रेशन आपको 5 ग्राम दिया हुआ मिलेगा क्वेश्चन में पढ़िए, और रिमेनिंग कंसंट्रेशन 3 ग्राम दिया हुआ है। अब हम ये सभी वैल्यूज रख करके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के अकॉर्डिंग टाइम निकालेंगे। आप सबने पढ़ा है टाइम का, अपने पास फॉर्मूला है, बोलिए टाइम इज इक्वल्स टू 2.303/k log 10 बेस a अपॉन a माइनस एक्स, ये अपने पास में फॉर्मूला है। इस फॉर्मूले को अपन यूज में लेकर के बोलेंगे k की वैल्यू दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन और रिमेनिंग कंसंट्रेशन, a प्रारंभिक सांद्रता होती है और a माइनस एक्स शेष सांद्रता होती है, इसलिए अपन बोलेंगे t इज इक्वल्स टू 2.303/k 1.15 × 10⁻³ log 5/3। इसको अपन सोल्व करेंगे तो इस टाइप से देखना, t इज इक्वल्स टू 2.303/1.15 × 10⁻³ log 5 − log 3, log 5 की वैल्यू में से log 3 की वैल्यू लेस कर लीजिए, देन t इज इक्वल्स टू 2.303/1.15 × 10⁻³ log 5, log 5 होता है 0.6991, log 3.4771, इसमें से जब अपन इसको लेस करेंगे तो देखिए t इज इक्वल टू 2.303/1.15 × 10⁻³ इंटू 0.2220, ये आपके पास में कैलकुलेशन आ जाएगी, इससे आप टाइम कैलकुलेट कर सकते हो। देन t इज इक्वल्स टू, स्टूडेंट्स ध्यान दीजिए, t अपन क्या नोट कर सकते हैं, मैं यहां नोट कर देता हूं इसको, ये आपके पास में t आ जाएगा, t इज इक्वल्स टू 2.303 को इससे मल्टीप्लाई करके इससे डिवाइड कर देंगे, 2.303 × 0.2220 × 10³ ऊपर आ गया है, अपॉन अपन नोट करेंगे 1.15, इसकी जब आप कैलकुलेशन करेंगे तब आपके पास में आंसर आ गया है 0.444 × 10³ या फिर 444 सेकेंड, इतना आपके पास में ये आंसर आ जाएगा। टाइम निकालना था, इतने सेकेंड अपने पास में आएंगे, के की वैल्यू दी है, इनिशियल कंसंट्रेशन है, रिमेनिंग कंसंट्रेशन है। यस, क्वेश्चन नंबर 4 केमिकल काइनेटिक्स की एक्सरसाइज में, क्वेश्चन नंबर 4th क्वेश्चन आप प्रिपेयर करना चाहते हैं इसको पढ़िए। फोर्थ क्वेश्चन में अगला सबसे पहले तो अपने को हिंट दे रहा है कि यह रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए उसने अपने को टी हाफ की वैल्यू दी है, अर्ध आयु का मान दिया है। क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िए, इसमें दिया हुआ है कि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मानते हुए उसका टी हाफ अपने पास में ऑलरेडी है, वो कितना है 60 मिनट है, इतना उसने दिया है, और अब अपने से पूछ रहे हैं कि इसका रेट कॉन्स्टेंट वेग नियतांक कितना होगा, ऐसा क्वेश्चन में है।
तो इसके अकॉर्डिंग हम के की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम जानते हैं जब अपन ने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का डेरिवेशन किया है उस समय हाफ लाइफ का रिलेशन के इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ एक फॉर्मूला होता था। इस फॉर्मूले में आपको बस टी हाफ की वैल्यू रखनी है, के की वैल्यू आ जाएगी। तो मैं क्या नोट करूं, बोलिए टी के इज इक्वल्स टू 0.693 अपॉन टी हाफ। टी हाफ कितना दिया है, बोलिए 60 मिनट। इसलिए आपके पास में ये मिनट इनवर्स में आंसर आ गया है। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आप मिनट इनवर्स में आंसर लिख सकते हैं और यदि आप चाहें तो सेकंड में भी नोट कर सकते हैं। यह आएगा 1.155 इंटू 10 to the power कैलकुलेट करेंगे तो -2 मिनट इनवर्स तक आ गया है। सेकंड यदि नोट करेंगे तो अपॉन 60 कर दीजिए, सेकंड इनवर्स में आंसर आ जाएगा। मैं समझता हूं शायद फोर्थ क्वेश्चन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन मान करके जब टी हाफ की वैल्यू दी है तो फिर के कैलकुलेट कर सकते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 5, ये क्वेश्चन नंबर 5 शुरू कर रहे हैं। इसमें अगला अपने से न्यूमेरिकल नहीं पूछ रहा है, वो डायरेक्ट अपने से केवल इतना पूछ रहा है कि रेट कांस्टेंट के पर टेम्परेचर टी का क्या इफेक्ट होता है। तो देखिए जब आप इसकी थ्योरेटिकल पीछे के लेक्चर में जाएंगे तो आपको पता चलेगा अपन ने एक टॉपिक पढ़ा है आरहेनियस इक्वेशन। आरहेनियस इक्वेशन में के और टी का एक रिलेशन है, उस रिलेशन का अपन ने एक डेरिवेशन किया है। उससे अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग रेट कॉन्स्टेंट आते हैं, टेम्परेचर कोफिशियंट का पार्ट भी आता है। तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन अपन ने पीछे के लेक्चर में पहले से पढ़ लिया है। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में चलता हूं। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब धीरे 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 अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने लग जाएंगे, आप इस 6 नंबर क्वेश्चन को पढ़िए। अगला आपको क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप रेट रिएक्शन है कोई अपने पास में जिसमें टेम्परेचर दिया हुआ है, जिसमें रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दी हुई है। ये टेम्परेचर दे दिया है और रेट कांस्टेंट के की वैल्यू दे दी है। अगला अपने से पूछ रहा है कि एक्टिवेशन एनर्जी कैसे कैलकुलेट करोगे। लेकिन क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ेंगे उसमें उसने यह कहा है कि हमारे पास में टेम्परेचर पहले 298 केल्विन है, हमने अब टेम्परेचर 10 केल्विन इंक्रीज कर दिया है, इसलिए बताइए कितना हो गया। बोलिए 308 केल्विन हो गया। तो जब आपके पास में टेम्परेचर T1 था उस समय हमें रेट कांस्टेंट K1 मानते हैं और जब टेम्परेचर T2 है तब रेट कांस्टेंट अपन K2 मानते हैं। यहां क्वेश्चन में दे रखा है, ऑलरेडी आप ध्यान से उसको पढ़ करके देखेंगे कि रेट कांस्टेंट के की वैल्यू डबल हो गई है। कब है? जब हमने 10 केल्विन टेम्परेचर बढ़ाया तो यह वैल्यू डबल हो गई है। डबल हो गई है तो मैंने डबल कर दिया है। देखिए अब अपन ऐसा मान लेते हैं कि सपोज K1 तो K है और K2 क्या है, 2K है। ये दोनों वैल्यूज आप एक क्वेश्चन फॉर्मूले में रख लीजिए, आपको निश्चित रूप से क्या कैलकुलेट हो जाएगा, ईए एक्टिवेशन एनर्जी, सेकिरियन ऊर्जा ज्ञात करने के लिए। अब मैं वो फॉर्मूला नोट करता हूं। आपके पास एक फॉर्मूला होता है लोग K2 अपॉन K1 इज इक्वल्स टू ईए अपॉन 2.303 T2 - T1 अपॉन T1 T2। ऐसा अपन ने रिलेशन से फॉर्मूला डेराइव कर रखा है। आपके पास T1 T2 है, K1 K2 है, एक्टिवेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है आपको। R की वैल्यू याद रखनी होती है तो फिर कैसे नोट करूं, बोलिए लॉग K2 कितना मान लें, 2, K1 कितना मान लें, K इज इक्वल्स टू ई ए अपॉन 2.303 आर। आर को मैंने ले लिया 8.314 किलो जूल पर मोल, जूल पर मोल में, और इनटू टी टू ले लिया मैंने 308 - 298 अपॉन T1 298 × 308। ये अपन ने कैलकुलेशन कर ली। अब मैं इसको दोबारा से लिखता हूं, के कैंसिल हो गया तो log 2 की वैल्यू 0.3010 इज इक्वल्स टू,
ई ए बोलिए अपॉन 2.303 8.314 इंटू ये ऊपर बच गया 10 अपॉन 298 इंटू 308। अब आप इसमें से क्या वैल्यू कैलकुलेट करेंगे ई ए, तो देखिए मैं इस ई ए को अब आगे कैसे लिख सकता हूं, ई ए इज इक्वल्स टू ये वैल्यूज आप इधर ले जाओ 10 नीचे आ जाएगा, सो ई ए इज इक्वल्स टू 0.3010 इंटू 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 इंटू 308। जब आप इसकी कैलकुलेशन करेंगे तो यहां आपके पास में ई ए की कैलकुलेशन हो जाएगी। आप इनकी कैलकुलेशन को नोट कर लीजिए, तैयारी कर लीजिए, आप आंसर निकाल सकते हैं, वरना तो मैं यहां पर बता दूं 52897.57 इंटू 10 to the power ये सॉरी किलो जूल पर मोल में आंसर आ जाएगा। और यदि आप इसको जूल में निकालना चाहते हैं तो ये 52.89 इंटू 10 to the power 3 कर दीजिए, ये आपके पास में फाइनल आंसर हो जाएगा। किलो जूल में निकाल सकते हो या जूल में निकाल सकते हो। मैं समझता हूं शायद ये वैल्यूज रख करके आप यहां तक ही आंसर कैलकुलेट कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, सेवेंथ क्वेश्चन आपके पास में स्टूडेंट्स कि आपको यहां पर एक वैल्यू दी गई है एक्टिवेशन एनर्जी की, वैल्यू दी है 209.5 इंटू 10 to the power 3 जूल पर मोल। देखो बुक में तो क्वेश्चन में तो दे रखी है 209.5 किलो जूल पर मोल, मैंने उसको जूल में नोट कर दिया है, और यदि अपन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चले तो ये चलिए यहां पे ऐसे दिया है किलो जूल पर मोल। मैं इसको दोबारा नोट कर दूं, अपने को ई ए 209.5 इंटू 10 to the power 3 जूल पर मोल में वैल्यू दी है, प्लस यहां आपको टेम्परेचर भी दिया है 581 केल्विन। अगला आपको इस इक्वेशन एक इक्वेशन मानते हुए अब अपने से पूछ रहा है वहां पर एक क्वेश्चन के रूप में कि आपके पास फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल्स कितना आएगा, अणुओं का अंश निकालना है। यदि एक्टिवेशन एनर्जी इतनी है टेम्परेचर इतना है तब उसमें अणुओं का अंश कैसे निकालेंगे, सिंपल है, बस एक बार आपके समझ में आ जाएंगे ऐसे क्वेश्चन तो आसानी से कर लेंगे। जब आप आरहेनियस इक्वेशन लिखते हैं और उसमें ये एक साइन आप पढ़ते हैं एक्टिवेशन एनर्जी आरटी ई की पावर माइनस ई ए अपॉन आरटी, इतने को बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ मोलेक्यूल्स, जिसको आप क्यू सिंबल भी दे रहे थे वहां पर। मैं समझता हूं शायद यह फॉर्मूला सबको अच्छे से आता होगा, अगर यह फॉर्मूला आ रहा है तो मैं इसी को अब थोड़ा सा आगे बढ़ा दूंगा। आप ध्यान दीजिए, मैं अगर इसको लॉग ले लू तो बोलिए लॉग एक्स इज इक्वल्स टू ये पावर नीचे आ जाएगी तो माइनस ई ए अपॉन आर टी, आपको ई ए की वैल्यू दी है, टी की वैल्यू दी हुई है, आर कॉन्स्टेंट है, इसलिए अपन इसको नेक्स्ट स्टेप में कैसे लिख सकते हैं देखना। लॉग ई बेस को पहले 10 बेस 2.303 लॉग 10 बेस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 209.5 इंटू 10 to the power 3 अपॉन आर 8.314 इंटू टी, टी है यहां पर 581। मैं अगर इसको यहां से हटा दूं ये वाले नंबर तो यहां शिफ्ट कर देता हूं, ये लीजिए 2.303। आपको पहले ये वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये कैलकुलेट करेंगे तब ये लॉग हटेगा और उसका एंटी लॉग लेंगे, इसलिए पहले इसकी कैलकुलेशन अपन करके देखें, तो आप कैलकुलेट कर लेना ये आंसर इतना होगा। देखो लॉग एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 18.8323, आप इसकी कैलकुलेशन कर लेना आपके पास में ये आंसर आना है।
मैं अब ये बोलूं कि लोग को अगर हटा दें तो आगे वाली वैल्यू का क्या ले लेंगे अपन, एंटी लोग। इसलिए एंटी लोग आंसर इसका ये आना, देखो ऐसे लिखा जाएगा x इज इक्वल्स टू एंटी लोग माइनस 18.8323। तो बोलिए x इज इक्वल्स टू इस वाली वैल्यू का जो भी आंसर आप लेंगे ना वो यहां पर फाइनल आंसर होगा, जो आपकी एक्सरसाइज में बुक में आंसर दे रखा वो इससे मैच हो जाएगा। कई बार क्या होता है कि एग्जाम के दौरान हो सकता है अपने को एंटी लोग देखने के लिए नहीं मिलता है, तो आप इसी स्टेप को यहां तक लिख सकते हैं, वो करेक्ट माना जाएगा, क्योंकि हो सकता है ये प्रिपरेशन नहीं हो इसलिए एंटी लोग की वैल्यू तक आप नोट कर सकते हैं। बाकी इसका एंटी लोग जब लेंगे तो आपकी बुक में जो आंसर दिया हुआ वो इससे मैच हो जाएगा। मैं समझता हूं क्वेश्चन नंबर 7 प्रिपेयर हो गया होगा, आगे चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 8। ये क्वेश्चन नंबर 8, आपको क्वेश्चन नंबर 8 में एक तो पूछा जा रहा है कि ऑर्डर क्या होगा और एक पूछा जा रहा है डायमेंशन क्या होगा। डायमेंशन मतलब यूनिट क्या होगा, इकाई क्या होगी, किसकी, रेट कांस्टेंट की, डायमेंशन ऑफ के। एक तो ऑर्डर पूछा जा रहा है और एक डायमेंशन पूछा जा रहा है, अलग अलग रिएक्शंस दी हुई मिलेंगी, तो उन रिएक्शंस के लिए अपन डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं एक एग्जांपल दे दूंगा, शायद उससे आप आसानी से कर लेंगे। पहला इसके अंदर एग्जांपल दिया हुआ है NO2 इज इक्वल्स टू सॉरी NO NO इज इक्वल्स टू NO2 प्लस हाफ O2। इस रिएक्शन को अगले ने ऐसे नोट करके दिया है, ऑलरेडी क्वेश्चन में है ये, रेट इज इक्वल्स टू के NO2 NO की पावर 2 ऐसे। अब जब रेट लो अगले ने अपने को दे दिया है तो इस रिएक्शन को देख करके अपन बता नहीं सकते यहां पर कि इसका ऑर्डर कितना है। अगले ने अपने से यहां पर देखो ऑर्डर पूछा है तो अपन कह देंगे कि इस रिएक्शन का ऑर्डर 2 है, सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन है। लेकिन इसके साथ में और क्या पूछा है, बोलिए डायमेंशन ऑफ के की यूनिट क्या है। तो हम यहां से शुरू करते हैं वापस से, बोलिए के इज इक्वल्स टू क्या दिया हुआ है, रेट अपॉन क्या दिया हुआ है, कंसंट्रेशन ऑफ NO की पावर 2। अब हम इसको दोबारा से कैसे लिख सकते हैं, रेट की यूनिट लिखते हैं मोल पर लीटर पर सेकेंड, और ये क्या है कंसंट्रेशन, उसकी पावर यानी कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन। तो लीजिए मोल पर लीटर इंटू मोल पर लीटर, कंसंट्रेशन इंटू कंसंट्रेशन। हमने ये कैंसिल कर दिया, देखो ये कैंसिल कर दिया, देखो तो जब ये ऊपर जाएगा तो किसमें बच गया है, बोलिए हम कहेंगे के इज इक्वल्स टू मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। यहां इस इक्वेशन के लिए के का डायमेंशन ये बन गया। ऐसे अब आपको चाहे कोई भी रेट इक्वेशन दे दे, उसको देख करके हमें उसकी ऑर्डर बतानी है और उसको देख करके उसकी यूनिट बतानी है। मैं समझता हूं शायद आपको ऑर्डर और डायमेंशन बताने आने लग गया होगा। प्लस ऐसे मान लो मैं कोई और दूसरा क्वेश्चन दे दूं, अगले ने अपने से पूछा है कि ऐसे ही क्वेश्चन है H2O2 प्लस 3I माइनस इज इक्वल्स टू, अपने पास H2O प्लस आयोडाइड माइनस बनता है और इसमें अगले ने कहा है कि रेट इज इक्वल्स टू के H2O2 की कंसंट्रेशन एंड I माइनस की कंसंट्रेशन। अब इसी क्वेश्चन से हमें दोनों क्वेश्चन निकालने हैं, बताइए कैसे निकालेंगे। सबसे पहले ऑर्डर बताओ, तो बोलो कंसंट्रेशन पावर 1 एंड 1, तो ऑर्डर कितना बन गया 2, और यदि 2 ऑर्डर आ रहा है तो रेट कांस्टेंट की यूनिट मोल लीटर इनवर्स सॉरी मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। इस टाइप के एक क्वेश्चन बनेंगे डायमेंशन और ऑर्डर के। क्वेश्चन नंबर 8 तक हो गया है, हम अगले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 से शुरू कर रहे हैं, देखना नहीं भूलें। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।